हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपको लेके क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस सेटिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपकी राशि के किस जेंडर के, अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो सन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा, नो मैटर आप कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं, बस एनर्जी सबसे मैच करनी चाहिए। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस। आप आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन भाई फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे एक मीटिंग प्लान करी जा रही है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी मतलब कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, एज गैप हो सकता है। फाइव ऑफ सॉर्ड, ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको, इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, अगर ये डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो शायद बात ना बन पाए, इसलिए ये स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। देखिए, एक इंसान बैठा है एकदम मायूस और सोच रहा है कि कैसे क्या किया जाए, कैसे स्टेप लिया जाए। आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं लेकिन डर भी रहे हैं, फियर ऑफ लॉस से भी गुजर रहे हैं, पता नहीं आप रिजेक्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, क्या ना करोगे, सो इसका डर भी है। तो समहाउ आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के आ गए, नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं ताकि आप इनको मना ना कर पाएं, आप इनको एक्सेप्ट कर लें। और अगर इतना प्लान किया जा रहा है आपको पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो सोचो गाइज इस वक्त आप कौन से एनर्जी में हो। मैं बोलूँगी तो शुगर कोटिंग लगेगा, आप खुद देखो, कोई प्लान कर रहा आपकी तरफ आने का, ऐसे ही मुँह उठा के नहीं आ रहा। तो वैल्यू तो रखते हो भाई आप उनकी लाइफ में। एट ऑफ कप्स, ओके, ऐसी बात नहीं है, इतने भी दूध के धुले नहीं हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इस इंसान ने मूव ऑन करने का ट्राई नहीं किया है, इस इंसान ने मूव ऑन करने का ट्राई आपसे भी किया है लेकिन ये नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली इनसे हुआ ही नहीं, इनको आता ही नहीं, सो इनसे मूव ऑन नहीं हुआ। अगेन फाइव ऑफ सॉर्ड, देखिए भाई कमिटमेंट फोबिया, इनको कमिटमेंट से भाग रहे हैं आपके पर्सन, डेफिनेटली कमिटमेंट से भाग रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है मैंने, ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब आप कमिटमेंट की बात करोगे ये बात को घुमा देंगे, जैसे आपको अभी तक घुमा रहे थे, है ना। तो ये भाई कमिटमेंट नहीं, अभी रेडी नहीं है, दे आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। जब भी आप कमिटमेंट की बात करेंगे ये मूव ऑन करने का सोचें। हे राम, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलूँगी, फिट्टे मुँह तेरे। अगर हम किसी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सामने वाला मूव ऑन करने की सोच रहा है, उसके लिए सिर्फ एक ही लाइन कहूँगी, वाह क्या सोच है तेरी। ये कहाँ, ये क्या लॉजिक हुआ, ये मतलब क्या है ये। आप अगर किसी को स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं तो क्यों तो किसी को उम्मीद दिखा रहे हो आप, ठीक है। अगर आपकी बस की बात नहीं है, ये जो प्यार है ना, ये वीक लोगों के लिए नहीं है, स्ट्रांग लोगों के लिए है, जिसमें हिम्मत होनी चाहिए अपने प्यार के लिए कदम उठाने की, एक स्ट्रांग एक्शन लेने की। अगर वो नहीं है, वो गट्स नहीं है, तो मत जाओ किसी रिलेशनशिप में। मुंह उठा के आ तो गए रिलेशनशिप में, पता है ही नहीं कि करना क्या है, बाबूशन करने से काम नहीं चलेगा। सेवन ऑफ सॉर्ड, ये बात मेरी उस चिड़िया को भी पसंद आई, देखो कैसे चीं 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 करने लग गई। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ओके, नंबर 10, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन सेवन ऑफ सॉर्ड है भाई, स्नीकी बिहेवियर, क्या ही विश्वास कर ले ऐसे लोग पे, ऐसे लोगों पे क्या विश्वास किया जाए। विश्वास करने से पहले सोचना, सोच समझ कर एक्शन लेना, ठीक है। इस वक्त ये इंसान जिस एनर्जी में, मैं आपको बता दूं, मैंने क्लैरिफाई किया सेवन ऑफ सॉर्ड को, कहाँ नौबत आ गई आपको मैनिपुलेट करने की, तो देखिए ये नौबत आ गई। मैंने क्या कहा था, आप अपनी एनर्जी देखो, एक इंसान आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहा है, एक इंसान स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है कि कैसे आपको अपनी बातों में लाया जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए। तो आप सोचो आप किस एनर्जी में हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, समझे। क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या है, प्यार दोगे तो प्यार लोगे, ठीक है, एटीट्यूड दिखाओगे तो हम भी पैदाइशी ईगोइस्टिक है, हम एटीट्यूड नहीं, हम ईगो दिखाएंगे, हम दिखाएंगे अपनी पावर कि आप किससे डील कर रहे हो, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये आपसे बहुत सी बातें छुपाएंगे, अगेन मैं कह दूँ ट्रस्ट मत करिएगा इन पर, ये सिर्फ आपको इतने पावरफुल पोजीशन पे देख रहे हैं इस वक्त, पावरफुल आपको देख पा रहे हैं, पावर में देख पा रहे हैं,
इसलिए इनको इतना कुछ प्लान करना पड़ रहा है, ठीक है। आप इनका लक हो और इनको आप चाहिए एट एनी कॉस्ट, चाहे फिर इनको साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़े, ये आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन में, हर कॉस्ट पे, मतलब हर कीमत पर इनको आप चाहिए, ये भी अपना फायदा ही देख रहे हैं अभी भी। मैजिशियन, देखा, हो सकता है कि आपकी पर्सन बड़े स्मार्ट हो सकता है आपकी जो आपकी शुंडा है वो बड़ी ब्यूटीफुल हो और इसी का फ़ायदा उठा रहे हो कि हमें तो और मिल जाएंगे, इसी के चक्कर में गए थे ये इधर उधर, लेकिन हुआ क्या, किसी में इंटरेस्ट नहीं है इनको। देखिए इनका पूरा फोकस आप पे गए, सीरियसली आपको जो क्रेविंग होती है ना वैसे नहीं होती, ये इंसान आपको अट्रैक्ट कर अपनी तरफ खींच रहा है। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बताता है नॉट इंटरेस्टेड, बाकी लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है इनका, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको चाहते हैं, लोग इनको चाहते हैं, ये आपको चाहते हैं। एट प्रेजेंट टाइम इनकी सिचुएशन ऐसी है कि इनको आप चाहिए, इनको और चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको ऐसा नहीं है इनको ऑफर नहीं आ रहे, देखो कैसे स्मार्ट बन के घूम रहे हैं, हर कोई इनको ऑफर देना चाह रहा है, भाई लव का ऑफर दिया जा रहा है इनको, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल बात है कि इनको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है और ये किसी और ऑफर में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अभी अगर आप कहेंगे कि मैम वो तो मैरिड हैं, उनकी तो वाइफ है, उनका तो ये है, इनका तो वो है, मैं बात इंटरेस्ट की कर रही हूँ, मैं बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं कर रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, निभानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट जो मुझे दिख रहा है वो सारा इंटरेस्ट आपके ऊपर है, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, ठीक है। 24/7 इस इंसान के माइंड में आप घूमते हो, देख लो आप अपनी पावर को, देख लो, फील करो आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। आपने किसी का दिमाग खराब करके रखा है दूर बैठे बैठे वो भी। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 5 मई मंथ, अगेन फाइव ऑफ कप्स, ओके। सो ये सिर्फ प्लान ही नहीं, ये मैनिपुलेट करने का प्लान क्यों कर रहे हैं पता है आपको, ये स्ट्रेटेजी जो प्लान की जा रही है, कैसे आपको बातों में लाया जाए, कन्विंस किया जाए, वो इसलिए इससे इंसान ने पास्ट में कुछ ऐसा किया जो उनको नहीं करना था, रिग्रेट है इस इंसान को, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इनको आ रहा है, अब भी वो जो गिल्ट है इनको इतना सता रहा है कि वो गिल्ट इनको मजबूर कर रहा है कि तेरे तो पाप तभी धुलेंगे जब इनके चरण स्पर्श करो, जब इनको मनाओगे, जब इनको इनसे माफ़ी मांगोगे, ठीक है। चरण स्पर्श तो वर्ड मैंने सॉरी गलती बोल दिया, बट हाँ ये आपको मनाना चाहते हैं। 5-5 ट्वाइस आया है, दैट मीन्स पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, ओके। चरण स्पर्श करने हैं तो भगवान की करिए, किसी भी इंसान के मत करो चरण स्पर्श, किसी भी इंसान, जो महान आत्मा होगी ना वो चरण स्पर्श करवाएगी नहीं, और जो चरण स्पर्श करवा रही है उसके तो करो ही नहीं, नहीं करने चाहिए, ओके। हाँ, माता पिता को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ अपने माता पिता को छोड़ के, ओके। अभी ये बात मेरी किसको बुरी लगी, बैकग्राउंड में ये कौन सा बर्ड था भाई जो जाते जाते मुझे सुना के गया, तो अच्छा किसी को तो बुरी लगी होगी मेरी बात। नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, ओके। देखिए गाइज, आप देखिए डिफरेंस, देखो आप अपनी एनर्जी में, उनकी एनर्जी में, आप बगिया लगा रहे हो भाई, गार्डन में आराम से फ्रूट्स को देख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी नज़र जो है वो ग्रोथ पे है, और इनकी देखो मून के ऊपर है, सैडनेस है, बस बैठे बैठे रो रहे हैं कि भाई क्या कर दिया, क्या करना चाहिए अभी, ये पास्ट को लेके बैठे हैं, आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, ठीक है, आप प्लांट्स को देख रहे हो ताकि आगे चल के फ्यूचर में ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दें। सो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने गोल पे फोकस है, अपने फ्यूचर पे फोकस, अपने फाइनेंस पे फोकस है, और ये रात में बैठ के चांद की तरफ देख रहे हैं, अगर चांद दिख भी नहीं रहा तो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली गाना गा रहे हैं, मैंने पूछा चांद से क्या देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं, तो मतलब चांद भी इनको छेड़ रहा है कि नहीं तेरे जैसा पार्टनर मैंने कभी देखा ही नहीं, फिर भी तूने उसके साथ ऐसा किया, मतलब चांद भी जो है वो भी टोंट मार रहा है इनको। देखिए गाइज, कहीं ना कहीं ये इंसान नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नाइट डार्कनेस पे फोकस कर रहे हैं, आप लाइट को फोकस कर रहे हो,
लाइट पर फोकस कर रहे हो, ब्राइट फ्यूचर पर फोकस कर रहे हो, यही डिफरेंस है बस। 12 कप्स की एनर्जी है, सोलमेट हो सकते हैं, म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, क्योंकि सोल का कनेक्शन है, सोल कनेक्टेड है। आई नो यू आर लॉयल, बट इनको पता है कि आप अगर बिजी भी होंगे तो अपने गोल पे फोकस होंगे या कहीं फोकस होंगे, खुद के ऊपर फोकस होंगे, लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के साथ फोकस नहीं, ऐसा इनको पता है। आई सी माई फ्यूचर विद यू, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। ओके, कौन नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन का जो गोल ओरिएंटेड है, जो एक प्योर सोल है। इट्स हार्ड टू फॉरगेट यू बिकॉज यू गेव मी टू मच टू रिमेंबर। एज आई सेड गाइस, एज आई सेड, इस इंसान ने ऐसा नहीं है मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की, इसने ट्राई किया लेकिन इसे हुआ नहीं, क्योंकि इनको आता ही नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव। डू यू नो मैं तेनु किन्ना प्यार करदा, डू यू नो। सो आपको नहीं पता हाउ मच दे लव यू, अगर नहीं पता तो ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, डू यू नो मैं तेनु किन्ना प्यार करदा, दिलजीत दोसांझ जी का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। यू ब्रोक माई हार्ट, वाई आपने इनका दिल तोड़ा, वाई आपने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, हमने पूछा, हमने क्वेश्चन मार्क किया कि वाई, हमने तो एक्स वाई नहीं किया, आपने क्यों किया? जब आपका दिल टूटा आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हो, और हमने अगर थोड़ा सा दिल तोड़ दिया तो क्या हो गया? आई वांट टू मैरी विद यू, आपकी पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, तभी तो फ्यूचर होगा ना साथ में। अभी प्लीज ये मत कहना मैम इनके तो दो बच्चे हैं मतलब बच्चे वाले नहीं कर सकते साथ ही। वाह वाह, सही है सही है। ओके, नेक्स्ट है आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। सो ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। अभी मेरे कुछ व्यूवर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है जब मैंने ये कहा कि इनके तो दो बच्चे हैं। तो देखिए, अगर आपको तो लगता है कि मैं किसी का घर उजाड़ रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ, ये रीडिंग्स होती हैं ओनली फॉर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए। ये सोल के कनेक्शंस की बात हो रही है, ये 5D वर्ल्ड की बात हो रही है, मैं 3D वर्ल्ड की कोई बात नहीं करती। मैं ये नहीं कहती वो साजिशशुदा है, आप उसे अफेयर कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, अरे वो आप देखो अपना। मेरा काम है यहाँ पे एनर्जीज को रीड करना, एक सोल कनेक्शन को डिफाइन करना कि क्या चीज़ है हो रही है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो मैं तो सोल के कनेक्शन को वैल्यू करती हूँ, जीने लगा हूँ, तो आपके आने के बाद ये इन्होंने जीना स्टार्ट किया है। अभी तक ये मर मर के जी रहे थे, उसका ही बनना चाहूँ, ये सिर्फ आप ही का बनना चाहते हैं। और अगर आप किसी सोल जर्नी में हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, तो देखिए भाई, उसके लिए आपको लोगों से बाद में खुद से पहले लड़ना होता है। इसी को इनर वर्क बोलते हैं। दिस इज नॉट ईजी जर्नी, दिस इज नॉट ईजी। यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड एंड लास्ट कार्ड वी हैव, वेरी नाइस। वैसे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, मतलब इतनी तेज़ी से आएंगे, बिना सोचे समझे आएंगे, थर्ड पार्टी को साथ में लेके आएंगे, कन्फ्यूज रहेंगे, टोटली कन्फ्यूज रहेंगे, कन्फ्यूजन के साथ आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसको क्या चुनना है, तो ये सोच रहे हैं चलो ठीक है बाद में लेंगे, कोई जो मेजर डिसीजन लेना है वो बाद में लेते रहेंगे, पहले मैं जाऊँ उसको अप्रोच तो करूँ। लेकिन मेरे जो व्यूवर्स हैं, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हैं, आप तो बस कि भाई या तो क्लैरिटी दो या स्टेबिलिटी दो, अदरवाइज हम आपको ना एंटरटेन करने वाले। सो आप अपनी सही जगह पर बैठे हो, आप जो कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हो, अपनी एनर्जी में रहो, अपनी पावर में रहो। कमिटमेंट दिखता है, स्टेबिलिटी दिखती है या क्लैरिटी दिखती है, तो ही आप कनेक्शन में कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें। इनको भटकने दीजिए, भटकती हुई आत्मा की तरह इनको पता लगना चाहिए कि एफर्ट डालने होते हैं हर किसी कनेक्शन में। सो इनको सोल के कनेक्शन की वर्थ समझ में आनी चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि ये कोई टाइम पास नहीं है। ओके, सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया, रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें, जय सिया राम।